नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज मीडिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलिकों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में संशोधन करने हेतु पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रकाशित निर्वाचक नामावली के आधार पर मृतकों तथा यहाँ से अंस्थापित हो गए मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में होने पर आपत्तियों से संबंधित प्रखंड के अटल कलम भवन के सभागार में वर्ष के अंतिम दिन रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार की उपस्थिति में प्रखंड के सभी बीपीएलओ की बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने सभी उपस्थित बीएलओ को 3 दिनों के अंदर प्रखंड के वैसे मतदाताओं का नाम जिनका मतदाता सूची में 2 जगह अंकित है उसे सुधार कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर दावा और आपत्तियों की समीक्षा करते हुए निर्देश देते हुए कहा कि नाम विलोपन के मामले में अथा प्रपत्र के साथ में मृतकों के संबंधित घोषणा जरूर शामिल करें। प्रपत्रों के निष्पादन एवं सभी बीएलओ ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में अपनी पंजीयन में प्रविष्ट करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं सूची पुनरीक्षण करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, इस कार्य में तेजी लाएं ताकि समय से कार्य पूरा किया जा सके। उन्होंने इसके लिए कई निर्देश दिए। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि उल्लेख प्रकाशित निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में मास्टर ट्रेनर यामानुल हक के अलावे सभी बीएलओ मौजूद थे।